राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी चुगल किशोरी। अब टीवी सीरियल की दुनिया में रोजाना इतने नए नए सीरियल आते हैं। अब कुछ सीरियल लंबे समय तक टिक पाते हैं, जबकि कुछ सीरियल कुछ समय में ही गायब हो जाते हैं। लेकिन दर्शकों के फेवरेट सीरियल अनुपमा में जबरदस्त ट्विस्ट आ गया है। माया ने तो आर या पार की ठान ली है, और तो और बस वो आधी रात का इंतजार कर रही है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में मंजरी तो सच जानकर खुश होने की बजाय तांडव मोड में आ गई है और आधी रात को तमाशा करने वाली है। वहीं गुम है किसी के प्यार में अम्बा और भवानी के रिश्ते का खुलासा सबके सामने हो चुका है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज किस किस के घर में क्या क्या होने वाला है। अनुपमा में जितना ड्रामा हो सो कम है। माया तो भिखारियों की तरह अनुज से प्यार की भीख मांग रही है। बेचारी जल बिन मछली की तरह तड़प रही है, लेकिन अनुज भी एकदम सख्त लौंडा है, वो माया के सामने पिघला ही नहीं। वहीं अनुपमा पर दुखों के साथ साथ एक और जिम्मेदारी आ पड़ी है। बेचारी अपना दुख भूलकर एक अनाथ बच्ची का सहारा बन रही है। होता ये है कि माया बेशर्मों की तरह अनुज के सामने प्यार मोहब्बत और इश्क की दुहाई देती है, लेकिन अनुज कहता है कि वो तो पहले भी अनुपमा से प्यार करता था, आज भी करता है और आगे भी करता रहेगा। अब माया कहती है कि किसी का प्यार कभी गलत नहीं हो सकता, आपने भी तो अनुपमा से वनराज से शादी के बाद भी प्यार किया था। अब अनुज कहता है कि मेरा प्यार मर्यादा में था, लेकिन तुम्हारा नहीं। मैंने अनुपमा पर अपना प्यार कभी थोपा नहीं। लेकिन माया कहाँ मानने वाली है, वो तो रो धोकर अनुज को बस मनाने की कोशिश करने में लगी है। इस बार माया हार नहीं मानने वाली। वो खुद से वादा करती है कि एक दिन वो उसे हासिल करके रहेगी। वो मन ही मन कहती है कि अभी एक रात बाकी है। अब पता नहीं माया आधी रात को अनुज के साथ क्या ही करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा भैरवी के बीमार पिता को अस्पताल लेकर जाती है, और भैरवी को अनुपमा अपने हाथ से खाना भी खिलाती है, और वो सोचती है कि जब तक उसके पिता अस्पताल में रहेंगे वही उसका ख्याल रखेगी। लेकिन तभी अनुपमा को पता चलता है कि भैरवी के पिता अब दुनिया में नहीं रहे। अब अनुपमा ही भैरवी की जिम्मेदारी उठाएगी। उधर पाखी और अधिक में बरखा की वजह से भयंकर लड़ाई हो गई है, और अधिक पाखी से बदसलूकी करता है, लेकिन बाद में वो उसे मनाने की कोशिश भी करता है। पाखी कहती है कि जब सब ने मुंह मोड़ लिया था तब अनुज और मम्मी ने ही हमारा साथ दिया था, लेकिन अभी फिलहाल अधिक कुछ समझने के मूड में नहीं है। वो कहता है कि मैं ज़िंदगी भर अनुपमा और अनुज का नौकर बनकर नहीं रह सकता। मतलब अधिक पर भी अब बरखा की तरह दौलत का भूत सवार हो गया है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं मंजरी के सामने अभी का सच आ गया है। लेकिन हमें तो लग रहा था कि ये खबर सुनकर मंजरी खुशी से फूली नहीं समाएगी, लेकिन वो तो बंक की तरह फट चुकी है। अब तो आधी रात को थाली लेकर वो अक्षरा के घर पहुंच जाती है, और थाली पीट पीट कर बताती है कि अभी रही मन्यू का बेटा है, और अक्षरा को वो सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। होता ये है कि कैंप पर रूही ने आतांडव कर रखा है। अभिमन्यु रूही को मनाने के लिए एक सुंदर सा कार्ड भी बनाता है, लेकिन बीच बीच में वो अभीर की बचपन की फ़ोटो देखता है। अब रूही पॉपी के फ़ोन में अभीर की फ़ोटो देखकर गुस्से से लाल हो जाती है, और सोचती है कि पॉपी अभीर को ज़्यादा प्यार करते हैं, उसे नहीं। वो गुस्से में सब कुछ तहस नहस कर देती है। वो अभिमन्यु और बाकी सभी लोगों के सामने कहती है कि ये सब उसने खुद खराब किया है। वो अभिमन्यु से कहती है कि आप बहुत गंदे हो, आपकी वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि आप मुझे छोड़कर अभीर के साथ ज़्यादा टाइम बिता रहे हो। अब अभिमन्यु रूही को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद वहाँ से चली जाती है। उधर रूही खुद को टेंट के अंदर बंद कर लेती है। अभिमन्यु उसे मनाने की कोशिश करता है और सॉरी भी बोलता है, अरे वो छोड़ो उठक बैठक भी लगाता है, लेकिन रूही बाहर ही नहीं आती है। इसके बाद अक्षरा अभिमन्यु को समझाती है कि वो रूही के साथ नाइंसाफी कर रहा है। वो कहती है कि अभीर से अपना रिश्ता जाने हुए तुम्हें सिर्फ 4 दिन हुए हैं, लेकिन रूही के साथ तो उसके पैदा होने से पहले से उसका रिश्ता था, इसलिए वो सब कुछ तुम्हें मान रही है, और तुम अभीर के लिए रूही को इग्नोर कर रहे हो। अक्षरा कहती है कि तुम अपने चक्कर में 4 जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो। उधर आरोही अपना सारा रोना और गुस्सा अभिनव पर निकाल देती है। वो कहती है कि अक्षरा ने हमेशा उसकी खुशियों को छीन लिया है, पहले माता पिता फिर अभिमन्यु, और अब दोबारा मेरा परिवार छीन रही है। लेकिन अभिनव कहता है कि अक्षरा ने हमेशा आपकी खुशी चाही है, वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। अब आगे आने वाले एपिसोड में मंजरी गोयनका हाउस में जाकर खूब बवाल करेगी और थाली पीट पीट कर सबको बताएगी कि अभी रही मन्यू का बेटा है।
वहीं गुम में किसी के प्यार में भवानी सही के ससुराल में तमाशा करने के लिए पहुंच गई है। वो सभी को वापस घर लाने के लिए कहती है, लेकिन सही कहती है कि वो अपनी बच्ची को अपने पास ही रखेगी और किसी के साथ नहीं जाने देगी। लेकिन भवानी कहाँ मानने वाली है, वो तो सभी को भी ब्लैकमेल करती है। अब ये सुनकर सही और सत्या दोनों भड़क जाते हैं। सत्या कहता है कि कैसी औरत हो जो ऐसी हरकत करने की सोच रही हो, लेकिन सही सत्या को चुप करा देती है। तभी वहाँ पीछे पीछे विराट भी पहुँच जाता है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाती है। लेकिन विराट सभी को वहीं छोड़ने को तैयार हो जाता है और काकू को भी समझाता है कि वो सभी को यहीं उसकी माँ के पास रहने दे। इसके बाद विराट भवानी से कहेगा कि यहाँ मेरा दम घुट रहा है, वह उसे अपने साथ ले जाने लगेगा। लेकिन तभी वहाँ पर अम्बा पहुँच जाएगी। अब भवानी अम्बा की आवाज़ पहचान जाएगी और सालों बाद अपने सामने उसे देखकर हैरान हो जाएगी। वहीं अम्बा की आंखों में भी ये सब देखकर आंसू आ जाएंगे और वो पूछेगी कि ये आपकी बदकिस्मती है या मेरी जो इतने सालों बाद हमें मिला दिया। अब भवानी और अम्बा का रिश्ता जानकर सही और सत्या भी हैरान हो जाएंगे। भवानी अम्बा पर कीचड़ भी उछालेगी और उस पर शादीशुदा इंसान को फंसाने का आरोप लगाएगी। इतना करने पर भी भवानी को सुकून नहीं मिलेगा और वो अम्बा से सत्या के बाप का नाम भी पूछेगी। अब भवानी की इस हरकत पर सत्या का पारा सातवें आसमान पर चढ़ जाएगा। यहाँ तक कि भवानी सत्या पर भी आरोप लगाएगी कि तेरी तरह तेरा बेटा भी शादीशुदा लोगों को फंसाता है। अब देखना होगा कि अम्बा सबके सामने सत्या के पिता का नाम बताती है या नहीं। लेकिन हम आपको पहले ही बता देते हैं कि सत्या के पिता और कोई नहीं बल्कि विराट के ही पिता हैं। तो आने वाले शो में आपको भरपूर ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये तो थी आज के सीरियल की अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। राम राम।